नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों आज हम बात करेंगे पावर बीआई के बारे में। अभी थोड़ा देर पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया था मैंने कि फेसबुक से डेटा को कैसे लिंक किया जाएगा एक्सेल में, और इसी काम को हम करते हैं पावर बीआई में कि फेसबुक से डेटा हम कैसे कनेक्ट करेंगे लाइव अपने पावर बीआई के अंदर। तो सिंपल सेम है, उसी तरह से प्रोसीजर फॉलो करना जिस तरह से हमने एक्सेल में किया था। हम मोर पे आते हैं और यहां हम ऑनलाइन सर्विसेज में ढूंढते हैं फेसबुक। जी हाँ, हमने फेसबुक को सिलेक्ट किया एंड ओके। यहां पे कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद आपसे लॉगिन यहाँ पे मी और यहाँ पे कौन से क्या चाहिए। तो मैंने बोला कि मुझे चाहिए मेरा पोस्ट, या राइट पोस्ट का डेटा चाहिए एंड ओके। उसके बाद अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपसे लॉगिन करने के लिए बोलेगा, लेकिन मेरा ऑलरेडी लॉगिन है तो मुझसे लॉगिन करने के लिए बोला, मेरा डायरेक्टली जो रिकॉर्ड्स है ये रिकॉर्ड यहाँ पे ला के दे दिया। अगर मैं इसमें कुछ चेंजिंग या एडिट या कैलकुलेशन करना चाहता हूं तो मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा, अदरवाइज मैं सीधे लोड पे क्लिक करूंगा। थोड़ा सा टाइम लेगा इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिए। या ये रहा यहां पे डेटा, डेटा आ गया क्यूरी का। तो मैं अब डेटा में जाता हूं, जो रिपोर्ट पहले से बनी है। तो डेटा में मैं इस क्यूरी डेटा टू को ओपन करता हूं तो यहां आपको दिख जाएगा क्रिएटेड आईडी मैसेज, आईडी नेम। देखिए ये मैंने इससे पहले किया था अपने फ्रेंड लिस्ट का। तो इस तरह से आप ऑनलाइन डेटा को फेसबुक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से मेरी वीडियो देखते रहिए, अगली वीडियो में हम बताएंगे कुछ और नया कनेक्टिविटी और कुछ और नई चीज। तब तक मेरी वीडियो को देखते रहिए, अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।